हेलो, अस्सलाम वालेकुम नादिन। आजकल आप जैसा कि देखते हैं कि आजकल के जो है ना, आजकल स्लाइडिंग अलमारी चल रही है, ये कि उसी का दौर चल रहा है। तो ये कि मार्केट में जो आइटम आया अब ये देखिए, जैसे ये कि स्लाइडिंग है बिल्कुल, अब इसमें जो एंडिंग जो लगी है ना बिल्कुल सुन है, तो होती है ना आवाज़ होती है, तो इसमें एक आवाज़ बिल्कुल नहीं है। अभी ये कि हमने देखें आपने राइट एंड का जो है ये बनाया है, इसमें एक शेल्फिंग कर दी, इसमें एक तेज किए हुए कपड़े जो है ना आराम से आ जाते हैं, या कोई बिस्तर होगा। दूसरी बात ये कि फिर ये हाइड्रोलिक लगाया हमने, ये मैं आपको हाइड्रोलिक दिखाना चाहूँगा कि आजकल ये चल रहा है ना स्लाइडिंग हाइड्रोलिक। इसमें ये कि आपको जो है ना ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इशारा देना, बस इशारा देंगे तो ये देखिए खुद ही बंद हो जाएगा। फिर दूसरी बात इसमें साइलेंट है, वॉल्यूम नहीं है, जो अक्सर अमूमन जो लोग ना स्लाइडिंग की वजह से तंग आ जाते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं है, ये कि बिल्कुल कम्फर्टेबल है। इसके साथ साथ फिर ये कि अपना ये पीछे वाला आ गया, ये कि हैंगिंग आ गया, इसमें कपड़े जो स्त्री करके वो टांगते ना, इसमें वाला आ गया, ये पूरा हैंगिंग का आ गया। इसमें ये कि आपके हैंगिंग वाले कपड़े आराम से आ जाएंगे, और ये नीचे लॉकर हो गया, सेफ लॉक हो गया, तो ये कि इसके लॉक हो गया। और इसके बाद जो है ये तीसरा जो बोर्ड आ गया, ये भी वही है, ये देखिए ये शेल्फिंग वाला है, ये भी इसमें भी तय किए हुए कपड़े आ जाते हैं। फिर इसमें प्लस एक चीज़ का हमने जो इजाफा किया ना, कि आजकल जो है कि जैसे कि ज़रूरत बढ़ती जाती है, उस लिहाज से तो हमने क्या किया, ये जो शेल्फें ना ये फोल्डिंग की है, ताकि ये कि कल को ज़रूरत पड़ती है ये शेल्फें निकल जाएंगी, ये निकल के आप यहाँ आराम से रख सकते हैं। तो इसमें यह कि आपका हैंगर लग जाएगा, ये भी हैंगिंग के काम में आ सकता है, यानी वक्त के साथ साथ जो ज़रूरत बढ़ती है उस लिहाज से हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है। ये नीचे ये बड़ा खाना आएगा, जैसे कोई चप्पल वगैरह हो गई या कोई बड़ा सामान आ गया, जैसे कोई शो पीस होता है या वो अपना क्या नाम है, कोई बिस्तर रख दे, कम्बल वगैरह, वो आराम से आ जाएगी। तो ये कि हमारी स्लाइडिंग डोर, इसमें भी वही चीज़ है जो उसमें थी हाइड्रोलिक वाला, क्योंकि ये खुद आ जाके ये देखा, आपने देखा बिल्कुल साइलेंट बंद हो रहा है, इसमें आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो वाली मैंने आपको दिखाई थी, वो अलमारी थी, बाकी ये कि फिर ये पूरा पेड पेड़ है बरल से, यानी कि पूरा 6-6.5 का फुल पैसा। ये साइड टेबल में दो दराज है, ये देखिए आपने दो दराज इसमें आ गए, प्लस ये कि फिर दूसरी बात ये कि ये आजकल जो ये बेड है ये ठीक है, और वो जो दूसरी साइड पे भी है ये, इसमें भी हमने यही डिज़ाइन दिया हुआ, पूरा लुक वाइज भी आप देख सकते हैं पूरा एक जैसा हो गया। फिर दूसरा प्लस आजकल जो बेड के साथ जो कंफर्टेबल सेटी जो चल रही है ना, आपने देखो मैं जो लेटेस्ट मॉडल आया हुआ है, तो ये कि ये बेड के साथ कम्फर्टेबल सेटी आ गई, तो आजकल डिज़ाइन भी सोच रही है, तो ये हमने वो चीज़ बनाई है कि आगे आइए कि ये बेड के साथ उसमें एक इसमें सोफे की आपको ज़रूरत नहीं है, ये किसी के आपके कोई मेहमान वगैरह आएंगे ना, तो ये चीज़ आपकी यूज़ हो सकती है। तकरीबन ये कि 3-4 अमूमन अफराद बैठ सकते हैं, यानी कि ये कि आपको कमरा अगर छोटा भी हो तो आपको ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, तो ये कि इससे आपको बहुत सहूलत होगी। ये आपको अभी हमने इलाज कर मैंने बेड दिखाया था, और इसके साथ साथ ये कि ये साइड इसकी ड्रेसिंग है जो आजकल इसमें ये कि हमने काफ़ी चेंजिंग की है, प्लस चेंजिंग हमने इसमें क्या की है कि आपने देखो वह डोर जो होता है वो ऐसे खुलने वाला होता है कब से आ रहा, इसमें ये कि हमने स्लाइड किया है, यानी कि हमने इसमें चैनल लगाई ताकि ये कि अगर वहाँ पे जैसे कि गेस्ट के पास अगर जगह कम होती है तो ये कि स्लाइडिंग की है, ताकि ये कि जितना उनको यूज़ कर रहा हो खोल के अपने यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ये कि उसकी बात कलर की है कि अगर डोर इतना बड़ा होता है तो इसको खोलने के लिए जगह चल रही होती है, वहाँ जगह नहीं होती, जिसकी वजह से हमने थोड़ी सी चेंजिंग की ताकि ये कि अपना खोल के आराम से स्लाइडिंग वाला काम कर लें। उसके साथ साथ फिर ये कि हमने यहाँ पे खाना दिया, इसमें ये कि जैसे बॉडी स्प्रे, रूम स्प्रे वगैरह जो सामान होता है ना मेकअप का जो बड़ा सामान होता है, ये खाना उसके लिए आ गया। इसमें भी प्लस हमने एक चीज़ का इजाफा किया है, जैसे कि वो जो कब्जे लगते हैं ना वो नहीं, इसमें हमने किचन कब्जे लगाए, हाइड्रोलिक कब्जे कराते हैं। आपने देखा ना ये डोर खुद ही बंद हो रहा है, खुद ही बंद हो रहा है, इसमें ये कि आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का हमने इजाफा किया है। फिर उसके साथ साथ दूसरी बात एक चीज़ और ये देखें, ये चूड़ीदान हो गया, ये भी थोड़ा लेटेस्ट मॉडल है, इसमें हमने थोड़ा सा इजाफा किया ताकि ये कि ये एक इंटीरियर रोड की जानब से ना छोटी सी वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने लेटेस्ट मॉडल का सेट बनाया है, तो इसी वजह से थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो बना रहे ताकि ये कि हमारी अपनी वो हो जाए, काम की क्वालिटी हो जाए। फिर दूसरी बात ये कि ताकि ज़्यादा व्यूज आ जाए, और उसके साथ साथ ये देख रहे हैं ना आप, ये हमने गुलाई में दिए नीचे का, ताकि ये थोड़े हमने यहाँ भी आपने प्लस देखा होगा डोर में भी हमने वही चीज़ हाइड्रोलिक लगाई है कि आपने देखा ये खुद ही डोर जाके बंद हो रहा है, देखिए उसमें आपको कुछ तकलीफ जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ ये 3 दराज है, ये देखिए पल एक दराज ये है, प्लस इसमें एक दराज के इजाफा किया, ये देखिए जैसे आपने देखा ना अमूमन छोटा मोटा होता है, अक्सर लेडीज़ का छोटा मोटा सामान होता है ना, लिपस्टिक वगैरह ब्रश वगैरह होता है, तो ये कि वो सामान इसमें आराम से आ जाए, आराम से। तो ये कि इसमें नीचे आप देखिए बड़ा सामान, यानी कि ये दराज के अंदर दराज है, इसको आप सेफ लॉक भी कह सकते हैं एक किस्म का, या आपके सेफ लॉक के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ये देखें अपने नीचे, इसके बाद हमने दो डोर और भी है, ड्रो ना बड़ी बड़ी ड्रो, ताकि ये कि इसमें काफ़ी
अच्छा सामान आ जाएगा, बहुत डरो दिए बड़े बड़े। और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ भी हमने ये तोड़ दिया है ताकि ये कि इसमें एक शेल्फ लगा दी, इसमें भी सामान आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल के हिसाब से आपको पता है कि कम पड़ जाते हैं, जगह जितनी होती है उतनी कम पड़ जाती है, तो ये उसके हिसाब से जितना हो सके छोटी जगह में हमने ये कि बहुत ज़्यादा ये कि उनको दे दिया क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा सामान आ जाए, आगे जाके परेशानी नहीं होती। ये आप देख रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे ये चीज़ क्या है, ये आपको भी समझ नहीं आ रही, लेकिन ये क्या मैं आपको बताता चलूँ कि उसके साथ का थ्री पीस अभी हमने देख लिया, ये कि ये लास्ट पीस है, फोर पीस यानी कि जो सेट होता है ना, अब हमारा सेट जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये है डिवाइडर, देखें आपने देखा, ये भी हमने थोड़ा लेटेस्ट मॉडल किया आजकल, इसमें हमने ये जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा गिलास का काम किया है, क्योंकि इसमें अमूमन जो है ना बर्तन आते के हर किसी की ख्वाहिश होती है कि सामने गिलास लगो ताकि मेरा सामान नजर आए। तो आपने देखा उसके जैसे हमने लकड़ी की जो शेल्फे थी ना वो भी हमने ख़त्म कर दी, इसमें एक हमने गिलास की डाली है 8 mm की मोटी शेल्फ डाली है ताकि एक थोड़ा वजन भी बर्दाश्त कर लेना, इसमें टूटे भी नहीं। अब इसमें 3 हमने डाली है और प्लस इसके साथ साथ हमने इसमें वही हाइड्रोलिक लगाए, इसमें भी एक दरवाजे जो खुद ही बंद हो जाएंगे, खुद ही बंद हो जाएंगे। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे हमने साइड में भी शीशा दे दिया, इससे क्या होगा कि ये क्या यहाँ से भी अगर सामान नज़र आओगा आराम से सामान नज़र आएगा, पूरा गिलास ये शीशे दे दिया सामान ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ जाए। और उसके साथ लेके नीचे इसमें भी 3 ड्रो दे दिए, ये देखें ड्रो दे दिए ताकि ये कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाए जितना हो सके। और प्लस इसमें हमने जो है कि लॉक का इजाफा किया है, अमूमन कस्टमर की शिकायत होती है कि हमें लॉक नहीं है, तो इसी वजह से हमने इसमें लॉक का इजाफा कर दिया। ये 3 ड्रो दे दिए और उसके साथ साथ ये देखेंगे आपको एक देखने में ना तो एक शो पीस नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये कि ये शो पीस तो है। अब अक्सर जो है ना ये चीज़ होती है ना वो कैप्सूल लिफ्ट की तरह जो होती है ना देखने में आपको भी वही लग जाएगी, लेकिन ये कि ये बहुत चीज़ ज़रूर है, लेकिन हमने ये भी एक डिस्प्ले बनाया। इसके साथ साथ हमने एक लेटेस्ट मॉडल का जो है ना एक ये समझ लीजिए डिवाइडर बनाया है हमने गुलाई शेप में, आपने देखा इसमें 3 हमने गिलास की शेल्फ लगाई है और पीछे भी आपने देखा ये शीशा गिलास लगाया हमने जो ये क्या टूटने वाला नहीं है, पूरा हमने जो इसमें थोड़ा घुमा के मोल्डिंग के ज़रिए इसमें हमने घुमाया है। 4 खाने होगा इसमें, एक शो पीस वगैरह आराम से आ सकता है, ये अपना कोई बर्तन हो बड़े वो रख लें, प्लस उसमें ये हमने केचर भी लगा दिया, रोयल आलोवे केचर है ये कि इसकी पकड़ अच्छी है, ये गेट आपका पूरा खुल जाएगा, उसके बाद ये गेट बंद हो जाएगा, सामान जो आपको होगा पूरा सामान आपको नज़र आ जाएगा।